बहुत बढ़िया बात है, चुप रहो सब, चुप रहना चाहिए। हम लोगों क्या है, वो हुआ जो जिसका साथ हुआ, हमारा कोई सगा नहीं है। सही बात है, सगा तो नहीं है, लेकिन वो चिल्लाता था हमारे लिए, बोलता था हमारे लिए, लेकिन चिल्लाता था, बोलता भी था, कोई गलत बात पे तो नहीं बोलता था, गलत को सही करने के लिए तो नहीं बोलता था। जो सही है सही करो, जो सही है उसको कोई गलत कर रहा है उसको सही करो बोलकर चिल्लाता था। वो अरेस्ट हो गया, क्यों हुआ, मतलब वो सही बोलता है इसलिए अरेस्ट हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझको समझ में ये नहीं आ रहा है, रात का 3-3 बजे कोर्ट खुलने के गुहार लगाने वाले, 2-4-3 हो गया है, अर्नब को अरेस्ट कर लिया, उन लोग कहा गया, मैं एक्चुअली कल तक भी सोचता था नहीं आएंगे उन लोग, आएंगे, लेकिन उन लोग नहीं आ रहा है। उन लोग तो अफजल के लिए आया था, अफजल के लिए तो आया था, लेकिन अर्नब के लिए नहीं आ रहा है। अगर उन लोग के हिसाब से हम देखें, अर्नब गलत है इसलिए नहीं आ रहा है, तो कौन सा दूध का धुला था अफजल गुरु, उसके लिए आ गए थे उन लोग। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कौन अपना है कौन गैर है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ गया वो अफजल के लिए सपोर्ट में आ जाता है लेकिन अर्नब के लिए नहीं आ रहा है। क्या अर्नब कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, अर्नब किसी को मर्डर किया था? पता चले नहीं, वो तो कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया था, वो तो कहीं पे आतंकवादी कुछ हरकतें नहीं किया था, इसलिए नहीं आ रहा है वो, मतलब वो आतंकवादी के लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुकर्म जो नहीं करेगा उसके लिए नहीं खड़ा होगा। कहा गया अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले लोग, उन लोग भी दिखाई नहीं दे रहे। कहा गया प्रेस का कि क्या बोलते उसको, प्रेस का क्या अधिकार हनन हो रहा है, उन लोग भी नहीं देख रहे। ह्यूमन राइट्स वाला भी नहीं है, ठीक है इन लोग नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम लोग, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बात करता था, तुम लोग घर पे बैठ गए इसलिए कि तुम्हारा घर का कोई सग्गा के ऊपर कोई ये नहीं आया? अरे वो व्यक्ति तो तुम्हारे लिए बात करता था ना, हाँ कुछ नहीं बोलोगे? घर अन्याय हो रहा है, घर अन्याय हो रहा है भाई, समझो ठीक है, और क्या बोले, मन में इतना दुख है, किस बोले तो बोले, किससे बोले, बहरे बैठा है यहाँ पे, किससे बोले? महाराष्ट्र का सीएम, नाम तो ये नहीं है, लेकिन बालराज ठाकरे को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता था, उसका लड़का है ना, लगता नहीं है, डाउट किसी का ऊपर जा रहा है, लेकिन बोलूँगा नहीं, सच में तुम उसका ही लड़का हो ना, मुझे डाउट है, अगर उसका लड़का होता ना तो पता चलता हरकत में,
पता चलता और ज्यादा बोलने का दिक्कत। छोड़ो क्या बोलूं, ठीक है अर्नब को अंदर रखे हो ना, रखो, लेकिन उसके साथ जो ट्रीट कर रहे हो ना बहुत गलत है। राज जिस जेल में उसको शिफ्ट किया हो ना, अगर उसका कुछ हो जाए वहाँ पे पूरा आतंकवादी उठे रहते हैं, और जिसका खिलाफ मैं रिपोर्टिंग करता था, उस गुस्से में अगर कुछ हो जाए इसका जवाब कौन देगा? दे पाओगे क्या? दोगे सॉरी? इसमें वो उसका रिकवर हो जाएगा? वो नहीं होगा। अर्नब का कुछ हो जाएगा ना, खुद को जला दूंगा, खुद को जला दूंगा, ठीक है? बिक गए हो तुम लोग, बिक गए हो, कुछ नहीं बोल पाते हो। बहुत बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है ये, बहुत ज्यादा। और एक बात बोल रहा हूँ, सुधीर चौधरी जी न्यूज़ वाला सुधीर चौधरी, पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा देखता था, आप भी चुप हो गए हो, आप भी चुप हो गए, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो। क्या डर गए हो कि आपका धमकी आया बोल के? डर गए हो क्या? डर गए हो क्या धमकी आ गया? अरे ऐसा मत सोचो कि तुमका धमकी आएगा तुम चुप हो गए, आप सोच रहे हो तुम्हारे ऊपर भी धमकी आएगा तो तुम चुप हो जाओगे। मरना तो एक दिन ही है यार, घुट घुट के क्यों मरे? जो सही है वो सही बता बस, और कुछ दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। अरे ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? और नहीं सह सकते हम लोग, और नहीं, ठीक है? अर्नब को तुरंत रिलीज करो, तुरंत। और ठीक है आपका, अरे यार कितना केस चल रहा है महाराष्ट्र में, उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं है, उधर चुप है, उधर कोई एक्शन नहीं है, हैं? बदला ले रहे हो ना एंटोनियो माइनो, एंटोनियो माइनो इतना बोला गुस्सा हो गया। अरे आपका सच नाम ही तो बताया है, तेरा सच नाम ही तो बताया है, अपना बोल के तुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहा था, तेरा सच नाम ही तो बताया ना, गलत क्या किया अर्नब? अर्नब को तुरंत रिलीज करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सत्याग्रह देखोगे आप, ठीक है? और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, वंदे मातरम।